कॉलेज कॉलेज हम सबकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस लाता है। कॉलेज के बाद 3-4 साल हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। कॉलेज में मैंने बहुत दोस्त बनाए हैं, कॉलेज में मैंने बहुत इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे हैं, कॉलेज में मैंने बहुत क्लासेस बंक करी हैं, कॉलेज में मैंने बहुत टाइम पास किया है, कॉलेज में मैंने इतनी सारी मेमोरीज बनाई हैं कि आज यकीन ही नहीं होता कि आई एम ऑलरेडी अ ग्रेजुएट। ये हर दिन उठना एंड सोचना कि यार आज कॉलेज नहीं जाना है, आज तो काम करना है, वो अलग ही फीलिंग होती है। 3 साल कॉलेज के इतनी जल्दी चले गए कि पता ही नहीं लगा। बट आई थिंक वो एवरीबडी हैज़ द सेम ओपिनियन कि कॉलेज इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं ना, जब तुम्हें चीज़ बहुत पसंद आती है तुम्हें समय का पता नहीं लगता, बट इफ़ समथिंग इज़ हार्ड इवन 1 मिनट फील्स लाइक इटर्निटी। कॉलेज की मेमोरीज, कॉलेज के 3 साल, इन सब के बीच में बहुत गलतियाँ की मैंने, कोई छोटी कुछ बड़ी एंड कुछ ऐसी जो मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेंगी। उनमें से एक गलती थी जो मैंने अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में करी थी। हमारे कॉलेज में सोसाइटीज़ होती थी अलग अलग टाइप की, इकोनॉमिक सोसाइटी, एनएक्टर्स, फाइनेंस सोसाइटी, कॉमर्स सोसाइटी, एंड कॉलेज में माना जाता था कि इन सोसाइटीज़ में पोजीशन लाना बहुत बड़ी बात होती है कॉलेज के अंदर। ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये इस सोसाइटी में ये करता है, इस सोसाइटी में वो करता है, इसने ये किया, उसने वो किया, कॉलेज के अंदर ये बहुत हवा बनता था। एंड मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था, छोटी जगह से आया था, मुझे लगा कि यार ये सही चीज़ है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी बनना है। एंड मैं एक सोसाइटी में था कॉलेज के, इकोनॉमिक सोसाइटी में, एंड उसी की हुडी पहनी हुई मैं, उसी की शर्ट पहनी हुई मैं। एंड सेकेंड ईयर में मेरे को इकोनॉमिक सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था, एंड मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट था जिसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था। मेरे से पहले सारे थर्ड ईयर के थे, तो मैं अलग ही जोन में चला गया था। मेरे को तो लगता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई स्मार्ट नहीं है, मुझसे ज़्यादा किसी को पता नहीं है, मेरे को सब कुछ पता है। एंड मैं अपने को एक छोटे से बबल में चला गया था। पूरे सेकेंड ईयर में मैंने बस यही किया, लोगों पर चिल्लाता था, मीटिंग्स में रौब जमाता था, इंटरव्यूज़ में लोगों को बहुत रोस्ट करता था, जो मन में आता था मैं करता था, बहुत एग्रेसिव था मैं, हर हफ्ते किसी को सोसाइटी से निकाल देता था। एक बार मुझे याद है एक सेमिनार था, एंड बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार था वो हमारे इवेंट्स के लिए, तो पूरी सोसाइटी को बोला गया था कि सब आना, लोगों को लेके आना, भरा होना चाहिए। एंड वो सेमिनार बहुत गंदा गया था, अगर 100 लोग आने थे तो उसमें 20-25 लोग ही आए, हमें पैसे भी बहुत कम दिए थे। एंड मुझे बहुत गुस्सा आया था कि ये क्यों नहीं आए, उसे मैं बहुत चिल्लाया था, बहुत गंदा चिल्लाया था। मैंने 3-4 लोग को उसी दिन उसी समय निकाल दिया था, 2-3 सीनियर मेंबर्स भी थे जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं अपनी पर्सनल रिलेशनशिप एंड प्रोफेशनल को अलग रख रहा हूँ, एंड मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबल वाइस प्रेसिडेंट की तरह अपनी सोसाइटी के बारे में सोच रहा हूँ। एंड मेरी वो दोनों दोस्तियाँ बहुत ख़राब हो गई थी, उनमें से एक दोस्ती आज तक ठीक नहीं हुई है, उनमें से एक अब ठीक हो गई है। तब मुझे लगता था कि सही कर रहा हूँ, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बस अपने बारे में सोच रहा हूँ। आई वॉज सो सेल्फ सेंटर्ड, आई वॉज सो कंज्यूम्ड इन माई ओन स्टफ कि मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि आई एम जस्ट फीलिंग द होल इन माई हार्ट। मैं बस अपने आप को अच्छा फील करवा रहा था दूसरों को चिल्ला के, अच्छा फील करवा रहा था इंटरव्यूज में लोगों को रोज करके। आई वॉज पुलिंग अदर पीपल डाउन जस्ट सो दैट कि आई फील सुपीरियर, जस्ट फॉर हैविंग दैट वैलिडेशन कि हाँ भाई इसे कुछ नहीं आता है, मेरे को सब पता है। उसकी वजह से मैं लोगों पर चला था, उसकी वजह से मैं लोगों को रोस्ट करता था इंटरव्यूज़ में, मैं लोगों को फालतू का प्रेशर डालता था। एंड आई वॉज अशेम्ड ऑफ दैट। इफ एनीबडी टेल्स मी दैट कि तो ऐसा किया, मैं बोलता हूँ हाँ किया है, एंड आई मेड मिस्टेक्स, आई एम अशेम्ड ऑफ व्हाट आई डिड इन सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज 2018 एंड 2019 फर्स्ट 3-4 मंथ्स। एंड आई फील वी ऑल हैव फ्लॉज, वी ऑल हैव इनसिक्योरिटीज, वी ऑल हैव डन बैड थिंग्स। इस पूरे पीरियड के दौरान आई लॉस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स, आई लॉस्ट अ वेरी क्लोज फ्रेंड, एंड आई लॉस्ट रिस्पेक्ट। मेरी पूरी कॉलेज में एक बैड इमेज बन गई थी। एंड व्हेन यू लूज पीपल्स रिस्पेक्ट, देयर इज नो गोइंग, यू नो, उससे ज़्यादा नीचे कुछ नहीं कर सकते तुम। बिकॉज ऑफ माई एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ माई टेम्पर, बिकॉज ऑफ माई सेल्फ ऑब्सेसनेस, आई लॉस्ट अ लॉट, आई लॉस्ट क्वाइट अ लॉट, सम परमानेंट, सम टेम्पररी। तो कार्मा इज रियल। मेरा ये वाला पॉडकास्ट बनाने का बस एक ही मकसद है कि आई वॉन्ट यू टू नो दैट
अगर आपने कोई भी गलती करी है, यू कैन बी बेटर। दुनिया को तुमने गलती करी है, दुनिया को ये मत बोलने देना कि तुमने गलती करी, तुम कभी ठीक नहीं हो सकते, तुम ऐसे ही हो, ठीक है। 1, 2, 3, 6, 7 मंथ्स ऑफ बैड डिसीजंस, ऑफ बैड एटीट्यूड डज नॉट डिफाइन योर लाइफ, डज नॉट डिफाइन हु यू आर एज अ पर्सन। अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो कि ठीक है मैंने गलतियाँ करी है, मुझमें ये मेरे एटीट्यूड में ये गलत था, मेरे बिहेवियर में गलत था। एक्सेप्ट योर फ्लॉज एंड वर्क ऑन इट, डोंट लेट एनीबडी से अदरवाइज। अगर आपने अपनी गलतियाँ रियलाइज करी हैं एंड अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप एक्सेप्ट करके उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ एज ए पर्सन, देन यू आर अ गुड पर्सन। फॉर मी इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि मैं अपनी रूट ऑफ द प्रॉब्लम में जाऊँ। मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, अब ऑलमोस्ट 1-1.5 ईयर्स हो गया मेडिटेशन करते करते, एंड आई रियलाइज कि मैंने कभी ऐसी फीलिंग नहीं ली ऑफ पावर। एंड जब वो मेरे पास पावर आ गई, मैं अपने बबल में आ गया था कि भाई मुझे सब आता है, एंड वो बबल वॉज रॉन्ग बिकॉज मुझे सब नहीं आता है। एंड आई नो राइट नाउ कि देयर इज सो मच टू लर्न, देयर आर सो मैनी स्मार्ट पीपल आउट देयर, दुनिया में लोग इतना कुछ कर रहे हैं, आई एम कंपैरेटिवली वेरी डम्ब। एंड हैविंग दिस रियलाइजेशन वुड हैव नेवर बी पॉसिबल अगर मैं वो गलतियाँ नहीं करता, अगर मैं मेडिटेट नहीं करता, अगर मैं प्रॉब्लम की रूट्स में नहीं जाता। उस समय जो था मैं, उसे मैं एक टॉक्सिक इंसान कहूँगा, मैं बहुत टॉक्सिक था 2018 के एंड और 2019 के स्टार्ट, बट आज मैं वैसा नहीं हूँ क्योंकि मैंने एफर्ट डाला अपने आप को चेंज करने में। एंड आफ्टर 1.5 ईयर्स आई कैन से कि हाँ, नाउ टुडे आई एम अ बेटर पर्सन, टुडे आई डोंट फील दैट टॉक्सिसिटी, टुडे आई डोंट फील द नीड ऑफ वैलिडेशन। आज मुझे नहीं चाहिए किसी पर ऑब्जेक्ट, नहीं चाहिए मुझे वो पावर, नहीं चाहिए मुझे किसी को नीचा दिखाने की। टुडे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, टुडे आई एम हैप्पी, टुडे आई एम कॉन्टेंट की मैंने गलतियाँ करी थी, लोगों को माफ़ी मांगी, किसी ने बात सुनी, किसी की बात नहीं सुनी, इट्स ओके, इट्स लाइफ, लाइफ में तो गलतियाँ करते हो, कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते हैं। अगर आपने भी कुछ गलतियाँ करी हैं इस टाइप की या अलग टाइप की, सब गलतियाँ करते हैं, मैं अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करके आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, अपने ईगो को मत आने दो। अगर आप अपने ईगो को आने दोगे, अगर आप अपने वो बबल से कभी बाहर ही नहीं निकलोगे, देन आप फॉरएवर उस टॉक्सिक लूप में रह जाओगे। एंड अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, अगर आप बेटर हो, आप इम्प्रूव करो, तो आपको उस लूप से बाहर आना पड़ेगा। यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर पास्ट, यू आर डिफाइंड बाय योर इंटेंट एंड द एक्शन दैट यू टेक ऑन योर इंटेंट। अगर आज आप अपनी गलतियों पर काम कर रहे हो, अगर आज आप अपने बिहेवियर पर काम कर रहे हो, अगर आज आप अपने फ्लॉज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, एंड कल अगले दिन इफ यू आर कमिंग आउट एज अ बेटर पर्सन, then there's nothing stopping you. All those people who have heard my second year of college, I want to apologize to you. I want you to know I was aware of my flaws. I worked on it. And today I'm not the same guy. आज के लिए इतना ही। I hope आपको वीडियो पसंद आया हो। I hope आप इस वीडियो से आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिला हो। And I hope आप मेरी ऐसी गलती ना करो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर कर देना कि आपको कैसा लगा वीडियो देख के। आज के लिए इतना ही। See you guys.